हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे। पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू की फिलिंग बनाएंगे। इसके लिए एक पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 कटी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर मिला लेंगे। अब इसमें 4 से 5 आलू डालेंगे जिन्हें हमने पहले ही उबालकर मैश कर लिया था। सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें फ्रोजन मटर डालेंगे। अब इसमें 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। और सभी को मिला लेंगे। हम सारे आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए, सारे आलू मैश हो चुके हैं। अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे और 2 मिनट के लिए सभी को मिलाते रहेंगे। फिलिंग बन चुकी है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे साइड से ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब पकौड़े के लिए बेसन का बैटर बनाएंगे। इसके लिए एक बाउल में 2 कप बेसन, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और सभी को मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे। देखिए, हमें इसे इतना ही थिक रखना है, ज्यादा पतला नहीं करना है। अब इसमें 1/2 चम्मच सोडा डालेंगे और डालते ही मिला लेंगे। अब इसे थोड़ी देर रख देंगे। अब ब्रेड पकौड़े की तैयारी करेंगे। इसके लिए एक ब्रेड लेंगे। आलू की फिलिंग भी ठंडी हो गई है। अब फिलिंग को ब्रेड पर लगा लेंगे।
दूसरी ब्रेड लेंगे। अब दूसरी ब्रेड पर हरे धनिया की चटनी लगाएंगे। ये चटनी ऑप्शनल है। अब इसको ब्रेड पर रख देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब इसे डायगोनली काट लेंगे। इसी तरीके से बाकी ब्रेड भी तैयार कर लेंगे। सारी ब्रेड तैयार हो गई हैं। हमने पहले ही सरसों के तेल को गरम कर लिया था। अब हम ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे। इसके लिए हम दोबारा से बैटर को देख लेते हैं। बैटर को हाथ से थोड़ा सा चला लेंगे। अब ब्रेड को बेसन के बैटर से कोट कर लेंगे, लेकिन ध्यान रहे हम इसे थोड़ा जल्दी कोट करेंगे और कोट करते ही इसे फ्राई कर लेंगे, वरना ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी और खराब भी हो सकती है। इसी तरीके से दूसरी ब्रेड भी कोट करके फ्राई कर लेंगे। दोनों को पलट लेंगे और थोड़ी देर तक फ्राई होने देंगे। देखिए फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे। ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है। आप इसे बारिश के मौसम में गर्मा गर्म एंजॉय कर सकते हैं और ये काफी टेस्टी भी होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।